सभी भाइयों को नेकराज का सलाम। नेकराज बोल रहा हूँ, आपका अपना नेकराज। तो आईपीएल 2018 बैटिंग टिप्स, कप विनर, ड्रीम इलेवन ट्रिक्स, सेशन, ऑनलाइन बैटिंग कैसे करनी है, कैसे आप बोनस पा सकते हो, पॉइंट टेबल्स में कौन किस नंबर पे रहेगा, जो प्लेइंग इलेवन है वो क्या रह सकती है, कौन कप जीतेगा, कौन टॉप फोर में रहेगा, और कैसे मतलब आप मैक्सिमम जीत सकते हो, 40% एक्स्ट्रा कैसे जीत सकते हो आईपीएल 2018 में। तो ये बहुत काम की वीडियो है, पूरा आईपीएल मैंने सम अप कर लिया है, डिफेंसिव स्कोर, चेसिंग स्कोर, ऑल द ट्रिक्स, जैकपॉट कैसे पकड़ना है, आपको आईपीएल के अंदर खेलना कैसे है, वो सब कुछ मैं वो आपको इस वीडियो में दूंगा। तो फिर से सभी भाइयों को सलाम करता हूँ, आपका अपना नेकराज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर मैंने स्टार्ट किया है +1 6 3 1 8 0 0 5 2 8 4, इस नंबर को सेव कीजिए, इस नंबर को सेव कीजिए, ठीक। इस नंबर को आप लोग सेव करेंगे और मुझे मैसेज करेंगे, आपको कोई भी काम है, ऑनलाइन बैटिंग से रिलेटेड है, आपकी आईडी नहीं खुल पा रही है, विड्रॉल नहीं हो पा रहा है, डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है, आप हार चुके हैं, बहुत ज़्यादा हार चुके हैं, आपकी ड्रीम इलेवन की टीम नहीं बन पा रही है, ऑनलाइन बैटिंग कैसे करनी है वो नहीं समझ में आ पा रहा है, आपको टिप्स चाहिए, मैच के सेशन की टिप्स चाहिए, तो सब कुछ किसी भी चीज़ के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कनेक्ट हो जाइए और मेरा नंबर सेव करिए। पहले नंबर सेव जरूर करना है आपको, कभी भी डिलीट नहीं करना जब तक एटलीस्ट आईपीएल चल रहा है, तब तक तो एट एनी कॉस्ट डिलीट नहीं करना। तो आईपीएल 2018 प्रेडिक्शन, बैटिंग टिप्स, कप विनर, ड्रीम इलेवन ट्रिक्स, टाइटल विनर, सेशन, ऑनलाइन बैट, डिफेंसिव एंड चेसिंग स्कोर, एवरीथिंग आई हैव समिट अप इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इस वीडियो में क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑनलाइन बोनस बर्थ ऑफ 16,000 रुपये, 16,000 रुपये तक का आपको बोनस कैसे मिल सकता है वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। आईपीएल के चेसिंग स्कोर कौन से हैं, यानी कि ऐसे स्कोर जो फर्स्ट इनिंग्स में बन गए, जो चेस करने हैं वो नहीं, जो बन गए, जैसे मान लीजिए 150 चेस करना है, 150 पहली टीम ने मारा तो 151 चेस करना हुआ, तो यहाँ जो मैं स्कोर दूंगा वो 150 माना जाएगा, पहली टीम क्या स्कोर बनाती है वो मायने रखता है, ठीक है। तो इस तरह से आईपीएल के चेसिंग स्कोर जो हमेशा चेस होंगे, ऐसे स्कोर देने जा रहा हूं और आप बहुत कमाओगे इस सेकंड नंबर की टिप्स से। आईपीएल के डिफेंसिव स्कोर ऐसे ही डिफेंसिव स्कोर हैं जो हमेशा डिफेंस होने हैं, आईपीएल चेसिंग स्कोर जो हमेशा चेस होने हैं। नंबर फोर्थ पे कप विनर, कप कौन सी टीम लेके जाएगी, एक ऐसी लंगड़ी टीम दूंगा आपको कि आप सोच नहीं सकते हो, कोई भी टिपर नहीं दे सकता, और जो दे देंगे तो वो जिता नहीं सकते, मैं दूंगा भी जिता के भी दिखाऊंगा। पॉइंट टेबल में कौन किस नंबर पे रहेगा, पूरी 8 की 8 टीमों का मैंने डाटा खंगाला है और उसको मैं यहाँ आपके सामने एनालिसिस करके दूंगा। टीम की गाइड मतलब आपको, आपके जो भी टीम है उन सब में क्या क्या टीम चेंजेस हैं, क्या क्या कौन से ग्राउंड्स यूज करेंगे, स्टार्ट्स क्या रहेंगे, कहाँ वो हो सकते हैं, पंटर कितने, पंटर्स उन्हें जिता रहे हैं, कितनी बैटिंग, कितना बैटिंग अमाउंट उन पर लग चुका है, तो सब कुछ। पॉसिबल प्लेइंग इलेवन फॉर एवरी टीम, डेफिनेटली जो प्लेइंग इलेवन आपको स्टार्ट में मिल सकता है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। पंटर पोज एंड विनर ऑड्स, सो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तीन लिंक दी होंगी, एक बेटवे की होगी, एक स्पिन पैलेस की होगी, एक रॉयल पांडा की होगी, ठीक है। तो आप एक एक करके तीनों पे जाइए, तीनों पे अपनी अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनाने के लिए आपको आईडी चाहिए, आपको आईडी होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए, इन तीन में से कोई दो चीज़ है, तो आप जाइए और अकाउंट बनाइए आपका ना। तो बेटवे पे जैसे बनाओगे तो 3,500 रुपये का बोनस है, स्पिन पैलेस पे मैंने लिंक दी है 6,000 का है, और रॉयल पैलेस पे 7,500 का है, तो इस तरह से कुल मिला के ये करीब करीब 17,000 रुपये का बोनस होता है आपका, 17,000 रुपये का बोनस होता है। आप देखिए 17,000 कितने मायने रखते हैं। इस तरह से जो भी मेरे पास नई नई वेबसाइट आएंगी मैं आपको दूंगा, जिससे आपको और बोनस मिल सके। तो सब पे अकाउंट बनाइए, सेम प्रोसेस है सबका, डिपॉजिट का भी, विड्रॉल का भी। कोई दिक्कत होती है व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। यदि व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, टेलीग्राम कीजिए, ईमेल कीजिए, कॉल कीजिए, सारे के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं दूंगा, ठीक है। आईपीएल 2018 के चेसिंग स्कोर हैं 124, 135, 142, 157, 158, 163 एंड 183, 124, 135, 142, 157, 158, 163, 183। ये स्कोर कभी भी आ जाए, पहली पारी में ये स्कोर कभी भी बने, हमेशा चेसिंग टीम पे पहुंच जाना। अपने टीम यदि मान लीजिए फर्स्ट बैटिंग ली है और स्कोर बन गया 157, तो आपको करना यह है कि इसको छोड़ के तुरंत अपनी टीम चेंजेस कर लेनी है। डिफेंसिव स्कोर 207 है, समझ लीजिए 207 पहले टीम ने खड़ा कर लिया तो उसे कोई भी चेस नहीं कर ले रहा, लेकिन यहाँ जो हमें फायदा होगा वो चेसिंग स्कोर पर होगा, 163, 183। यदि मान लीजिए आपका 183 स्कोर बन गया, तो सपोज कि ये जो चेसिंग टीम है वो नॉन फेवरेट हो जाएगी, और जो बैटिंग वाली टीम है जो फर्स्ट बैटिंग की है वो करीब करीब 25-30 पैसे फेवरेट हो जाएगी, तो इस तरह से सीधा जैकपॉट मिलेगा, सीधा जैकपॉट पहचान लोगे अब 183 में। जैकपॉट पहचानने का दूसरा तरीका जो आईपीएल में हमेशा से काम करता आया है वो ये है कि यदि फर्स्ट सिक्स ओवर में कोई भी टीम 40 पैसे के नीचे लग जाए, कोई भी टीम पहले 40 पैसे के नीचे लग जाए, तो समझ लीजिए उस मैच में घोड़ा है। वैसे मैं अपडेट करूंगा आपको लाइव अप टू डेट
करता रहूँगा, टेलीग्राम पे मैं सारा का सारा अपडेट करूँगा, व्हाट्सएप भी मैसेज कीजिए, कोशिश करूँगा वहाँ भी अपडेट कर सकूँ, लेकिन टेलीग्राम 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 मस्ट ज्वाइन करना है आपको। टेलीग्राम टेलीग्राम में अभी 18,000 मेंबर हैं, मैं चाहूँगा कि आईपीएल शुरू होने से पहले ही या आईपीएल तक और मेंबर हो जाए, 36,000 मेंबर हो जाए आईपीएल तक, और ऐसा हो सकता है ऐसा मैं करूँगा, ठीक है। तो आईपीएल 2018 की कप विनर जो पॉइंट टेबल्स हैं और कप विनर में बता दे रहा हूँ, कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे फ्लॉप रहेंगे, सबसे फ्लॉप टीम रहेगी, क्यों रहेगी वो टीम एनालिसिस में बताएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स 8वें नंबर पे रहेगी पॉइंट टेबल। मुंबई इंडियंस काफ़ी लोग इसे कप विनर कराएंगे, काफ़ी लोग काफ़ी टिप्पर्स इसे टीम जिताएंगे, इस टीम को जिताएंगे, टाइटल उठवाएंगे, लेकिन ये टाइटल नहीं जीतेगी और बहुत बुरा खेलेगी। ब्लैक शिप है, ब्लैक शिप यानी कि ऐसी टीम जो दिखने में तो स्ट्रांग होती है बट हारती जाती है, तो इस बार मुंबई इंडियंस ब्लैक शिप है। लास्ट टाइम आरसीबी जैसे ब्लैक शिप थी, ऐसी मुंबई इंडियंस ब्लैक शिप है। मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने फिक्सिंग के 10 पॉइंट दिए थे, पार्ट टू था, उसमें बताया था मैंने, चार तरह की टीम होती है, ब्लैक शिप, डार्क हॉक्स, शक्तिमान और लूजर, ठीक है। सुपर लूजर, तो सुपर लूजर कोलकाता नाइट राइडर्स है, यानी ऐसी टीम जो दिखने में भी कमजोर है और हारेंगे भी। मुंबई इंडियंस जो दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हारेंगी। 6वें नंबर पर राजस्थान रॉयल्स है, स्मिथ नहीं खेलेगा, आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं, स्मिथ नहीं खेलेगा। दिल्ली डेविल्स 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पे रहेगी। 4थे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग्स रहेंगे। 3 नंबर पे सनराइजर हैदराबाद रहेगा, वार्नर नहीं खेलेगा। 2nd नंबर पे किंग्स इलेवन पंजाब है, ये डार्क हॉर्स है, ठीक है, सबसे नीचे है ये भाव में कप उठाने के लिए, तो किंग्स इलेवन पंजाब हमारी टीम रहेगी कप विनर करने के लिए, काफ़ी अच्छी टीम इन्होंने सेलेक्ट की है, ठीक है। तो किंग्स इलेवन पंजाब हमारी टीम रहेगी, और क्यों हम किंग्स इलेवन पंजाब को बैक कर रहे हैं, जिता रहे हैं, वो आपको टीम एनालिसिस में बताऊंगा। और जो कप विनर जो सेकंड टीम में दे रहा हूँ वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये शक्तिमान टीम है, यानी कि जो दिखने में भी स्ट्रांग है, दिखने में भी शक्तिमान जैसी है और काम भी शक्तिमान जैसा करेगी, ठीक है। तो आप मुझे इससे किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो खत्म नहीं हुई अभी, टीम एनालिसिस बाकी है, कांटेक्ट डिटेल मैं पहले दे रहा हूँ, तो व्हाट्सअप कीजिए +1 6 3 1 8 0 0 5 2 8 4, ईमेल कर सकते हो admin@expertfreetips.net, आप स्काइप पे चलाते हो तो RNAND454, नोट कर लिए, टेलीग्राम यूजर नेम है @NekrajB भी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे दी है, अपने सारी प्रोफाइल्स की लिंक मैंने नीचे दी है, फेसबुक पे आप फ्रेंड्स बना सकते हो, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर हिट करना है, और बेल आइकन भी प्रेस करना है, लाइक भी प्रेस करना है, ठीक है। तो आईपीएल 2018 के जो विनर का भाव है वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 5 रुपए है, हैदराबाद सनराइजर्स 5.5 है, मुंबई इंडियंस 5.5 है, कोलकाता नाइट राइडर्स 6.5 है, चेन्नई सुपर किंग 7 रुपए है, राजस्थान 7, किंग्स इलेवन पंजाब 9, तो 9 रुपए की टीम इस बार हमने दी है, और दिल्ली तो 9 रुपए की टीम। सनराइजर की जो प्लेइंग इलेवन रह सकती है वो विलियमसन है, शिखर धवन, मनीष पांडे वन डाउन, 4 पे साकिब अल हसन, 5 पे यूसुफ पठान, 6 पे रिद्धिमान शाह, 7 पे कार्लोस ब्रैथवेट, 8 पे राशिद खान, 9 पे भुवनेश्वर कुमार, 10 पे संदीप शर्मा, 11 पे सिद्धार्थ कौर। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी फास्ट बोल रहा हूँ और आप लोग इसको नोट नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस आर्टिकल की लिंक मैंने नीचे दी है, आईपीएल 2018 प्रेडिक्शन एंड बैटिंग टिप्स, इस तरह से है expertfreetips.net पर, तो वहाँ वेबसाइट पे आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हो। KKR की पॉजिबल लाइनअप है, ये 8वें नंबर पर हमने प्रेडिक्ट किया है, 8वें नंबर पर रहेगी ग्रुप में पॉइंट टेबल में। तो क्रिस लिन ओपनिंग, उथप्पा के साथ राणा, दिनेश कार्तिक बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर हैं और कप्तान भी हैं, और गिल, देन रसेल, देन नारायण, देन नागरकोटी, देन चावला, कुलदीप एंड फाइनली स्टार्क, स्टार्क फास्ट बॉलर है, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या है कि कोलकाता को मैंने 8वें नंबर पे किया है कि ओवर एक्सपेंशन फ्रॉम यंगस्टर, इसके जो प्लेयर्स हैं वो मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, जैसे कि राणा, गिल, ठीक है, तो नागरकोटी, चावला, ठीक है, तो ये प्लेयर क्या है कि इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, की प्लेयर्स आर आइदर इंजर्ड और रिसीविंग फ्रॉम इंजरी। तो लिन रसेल फिलहाल इंजर्ड थे लेकिन अभी ठीक हैं, दोनों ठीक हैं, लेकिन ये प्लेयर ऐसे हैं जो इंजर्ड और स्टार, लिन रसेल स्टार, ये काफ़ी इंजरी लगते रहते हैं, तो इनका कुछ पता नहीं है। लिन का आप जानते हो कि 2-4 मैच खेलता है फिर इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही स्टार के साथ होता है, तो इनका कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए हम KKR पे नहीं जाएंगे। इसके अलावा इनके पास बैकअप प्लेयर भी अच्छे नहीं, मतलब इंजर्ड हो गए तो कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ये कप विनर के लिए हमने प्रेडिक्ट किया, 1st नंबर पर रहेगी। टॉप बैट्समैन एबी डिविलियर्स लगाएंगे, टॉप बॉलर यजवेंद्र चहल लगाएंगे, प्लेयर टू वॉच गलत है, ट्रेविस हेड है नहीं इसमें, ठीक है, तो वो गलत टाइप हो गया है। प्रेडिक्शन कप विनर की है, पंटा पोस्ट 28%, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पे लगते हैं। और एक और बात बता दूं कि जो बैटिंग का अमाउंट जो सबसे ज़्यादा लग रहा है फिलहाल वो भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पे ही है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, और मैं बाद में भी अपडेट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जब जैसे जैसे एक एक दिन आता जाएगा मैं अपडेट करता रहूंगा किस टीम पे कितना अमाउंट लगा, एक्चुअल अमाउंट आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, तो आप चैनल में जरूर रहिएगा। प्लेइंग इलेवन में मैकुलम और पार्थिव ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली वन डाउन, मनदीप सिंह
यहाँ ए बी डब्ल्यू एस चौथे नंबर पे आ सकता है, मंदीप पांच पे आएगा, सरफराज छह पे, कोलिन डे ग्रांड होम सात नंबर पे, एंडरसन टीम में आ गया है, कटलर नील जो है वो नहीं खेलेगा ठीक है, उमेश यादव फिर चाहल, तो इस तरह से रहेंगे लास्ट में सिराज के लिए। मुंबई इंडियंस आठवें नंबर की सातवें नंबर की टीम है, रोहित शर्मा टॉप बैट्समैन, टॉप बॉलर बुमराह, प्लेयर टू वॉच कृणाल पांडे है, प्रेडिक्शन आठवें नंबर के लिए कर रहे हैं, पंट अपोज 6.6% ठीक है, तो कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाए। लिवाइस और ईशान किशन बैटिंग करेंगे, रोहित शर्मा वन डाउन, सूर्य कुमार यादव देन, हार्दिक कृणाल पोलार्ड कटिंग या मुस्तफिजुर रहमान में से एक खेल सकता है, या कुमांस कटिंग और रहमान में से कोई दो खेलेंगे, बुमराह देन चाहर, राहुल चाहर एकमात्र स्पिन बॉलर है इस टीम को मैं बैक नहीं कर रहा ठीक है। दिल्ली डेवल्पर्स पे गंभीर कप्तान करेगा, बॉलर मिश्रा रहेगा, प्लेस टू बास ऋषभ पंत, लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा खेला था, प्रेडिक्शन पांचवें नंबर पर कर रहे हैं, और पंट अपोज यानी 8.5% है, पॉसिबल प्लेइंग इलेवन जो रहेगी वो गंभीर गंभीर ओपनिंग करेगा, या तो जेसन रॉय के साथ करता है या कॉलिन मुनरो के साथ करता है, इसके बाद श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, मैक्सवेल, गुरकृत सिंह, शंकर मिश्रा, रवाड़ा, बोल्ट या फिर हर्षल आवेश ठीक है। तो यहाँ एक चेंजेस ये हो सकता है कि रबाडा की जगह डेनियल क्रिस्टन को खिलाया जाए ठीक है, या रॉय मुनरो नहीं चलते हैं तो आगे डेनियल क्रिस्टन को खिलाया जा सकता है, मैक्सवेल को मैक्सवेल रिप्लेस नहीं हो पाएगा। चेन्नई सुपर किंग लौट के आई है 2 साल बाद, टॉप बैट्समैन वॉटसन है, वॉटसन ओपनिंग करेगा ठीक है, टॉप बॉलर मार्क वुड है इंग्लैंड से, प्लेयर टू वॉच रैना तीसरे नंबर पे आता है, तो इस प्लेयर पे आप नजर रखेंगे, जो भी प्लेयर टू वॉच है उन पर नजर रखेंगे, प्रेडिक्शन चौथे नंबर की कर रहे हैं, काफी सारा पैसा लग रहा है, 21.2% पैसा लग रहा है, चेन्नई आरसीबी के बाद सबसे ज्यादा पैसा ऐसी टीम पे लगा है, तो मैं वो अपडेट करूंगा एक्चुअल अमाउंट ठीक है। तो वॉटसन और विजय ओपनिंग करेंगे, रैना देन फाफ देन जाधव देन धोनी देन जडेजा, आठवें नंबर पे ब्रेवो, ब्रेवो ऊपर आएगा इतना नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ सात नंबर पे आ सकता है, आठ पे जडेजा, हरभजन सिंह, बोट ठाकुर, इनमें प्रॉब्लम ही क्या है कि चेन्नई सुपर किंग के साथ कि जो प्लेयर हैं इसके वो आउट ऑफ फॉर्म है, जैसे केदार जाधव हुआ, बज्जू हुआ, रायडू हुआ, जडेजा हुआ, ये अपने फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए जैसे विजय फाफ डुप्लेसी है ये भी फॉर्म में नहीं है, T20 में बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते, विजय टेस्ट का ओपनर है, फाफ वनडे में अच्छा खेलता है, टेस्ट में अच्छा खेलता है, लेकिन T20 में अभी तक चला नहीं अच्छे से, तो सबसे जो स्ट्रेंथ है MS धोनी और ब्रेवो ये खिलाड़ी पहले जैसे नहीं रहे हैं ठीक है, तो बॉलिंग भी इनकी अच्छी नहीं है, इसके सिवाय मार्क वुड को छोड़ के चलाया जाए, तो किंग्स इलेवन पंजाब सबसे अच्छी टीम यही है, सेकंड नंबर पर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, और पंट अपोज 7.95% का है, इसके अलावा कौशल राहुल उसको आप प्लेयर पर नजर रखोगे, टॉप बॉलिंग मोहित है, टॉप बैट्समैन फिंच है, पॉसिबल प्लेइंग इलेवन रह सकती है गेल और फिंच ओपनिंग करेंगे, ऐसा हो सकता है कि गेल को शुरुआती मैचों से ना खिला के बाद में खिलाया जाए, तो इसके चांसेस हैं ठीक है, लेकिन ज्यादातर चांसेस गेल ही खेलेगा, 90% चांस है, तो गेल फिंच ओपनिंग करेंगे, कौशल राहुल, यजवेंद्र चाह सॉरी युवराज सिंह, मयंक अग्रवाल, स्टोनिस या मिलर में से कोई एक ही खेल पाएगा, अक्षर, अश्विन, मोहित, एंड्रू टाइन एंड सरंस, एंड्रू टाइन बहुत अच्छा बॉलर है डेथ का ठीक है, तो स्पिन आप गौर करिएगा, राजस्थान रॉयल्स टॉप बैट्समैन स्टॉक, बॉलर में भी स्टॉक, स्टॉक्स एक ऑलराउंडर है, DRC शॉट बिग बैश में बहुत ज्यादा अच्छा खेला था, बहुत ज्यादा अच्छा खेला था, तो इसमें नया रखेंगे, राजस्थान रॉयल्स काफी अच्छी टीम है, लेकिन फिर भी 6 नंबर पे मैं इसको रख रहा हूँ, और 6 नंबर पे ही रह पाएगी, प्लेयर काफी अच्छे हैं जैसे बटलर है, रहाने हैं, DRC शॉट है, स्टॉक्स है ठीक है, तो प्लेयर काफी कुछ प्लेयर काफी काफी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ बॉलिंग इनकी वीक है, देख सकते हो गौतम धवल, उनादकर, जोफ्रा आर्चर, जोफ्रा आर्चर वैसे इंजर्ड है लेकिन पता नहीं खेल पाए ना खेल पाए, तो इसके अलावा कोई भी अच्छा नहीं है, गौतम धवल, उनादकर, बिन्नी कोई फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये 6 नंबर पे आएगा, क्योंकि बैटिंग बहुत जरूरी है ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक मुझे फ्रेंड्स नहीं बनाया तो फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाइए, और व्हाट्सअप नंबर मैंने लिख रखा है +16318005284, ये व्हाट्सअप नंबर है, तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। चलिए इसी के साथ सभी को वीडियो देखने के लिए सभी का थैंक्स।